हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या बोल रहे हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। हमारे हिमाचल में एक सब्जी मिलती है, लस्याड़े की सब्जी, जिसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पे उसको लसूड़े की सब्जी कहते हैं, कुछ में लस्याड़े ही कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके वहाँ पे उस सब्जी को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाई जाती है लस्याड़े की सब्जी मेरे स्टाइल में। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क जिसमें लगता है वो है इस सब्जी को काटने का प्रोसीजर, क्योंकि ये एक ऐसी वेजिटेबल है जिसके सीड के अंदर आपको इंसेक्ट मिलता है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से इसको छेड़ना पड़ता है। लाइक आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे ये इंसेक्ट इस सीड के अंदर बैठा हुआ है। तो हम प्रॉपरली इसको चाकू से निकालते हैं और हाथ में नमक भी लेते हैं, क्योंकि नमक से इसका स्टिकी गम जो है वो हमारे हाथों में नहीं लगती। तो नमक के साथ इसको लाइक प्रॉपर छेड़ना या फिर काटना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नमक की जगह अमचूर का भी यूज़ कर सकते हो। ये सब्जी को खट्टा बनाने के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए हम आम की खटियाँ यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। वो कच्चे ये धनिया एक स्पून, और इसी सेम गरम कढ़ाई में 1 स्पून जीरा, ये है रेड चिली, सूखी लाल मिर्च, और हमने साथ में ले लिए कुछ 10-12 पीसेस भी। हमने इसको वॉश किया अच्छे से 2-3 बार पानी में। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 कड़छी ऑयल की और इसको होने देंगे गरम। फिर हमें इस पर थोड़ा सा जीरा और ऐसा धनिया डालेंगे। नहीं डालेंगे धनिया? फिर ये जो मसाला हमने पीस के रखा गाइस, उसमें हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, आप चाहो तो मिर्ची भी डाल सकते हो और कोई भी मसाले, धनिया पाउडर वगैरह डाल सकते हो। फिर हम इस मसाले को अपने तेल में डाल देंगे। ये लस्याड़े छोटे छोटे थे, इसलिए हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। बस ना मम्मा, फिर क्या करना है? धीमी आंच पे पकाएंगे, ढक्कन लगा लिया, गैस स्लो रख के इसको पकाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे और ढक्कन लगा देंगे धीमी आंच में। इसको हम बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम में पकाते हैं 15-20 मिनट। वैसे तो कुछ लोग गाइस इसको उबाल कर भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको हमेशा ऐसे तड़का लगा कर ही बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है। फिर ये जो भिगो के हमने रखी थी माकड़ियाँ आम की, इनको डाल देंगे हम, और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। तो मैं इनको फिर से देखने आई हूँ एक बार। तो हमने इसमें आम की खटाई डाली थी, इसलिए हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी भी डालेंगे, ताकि इसका प्यारा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस।
तो ये है हमारी फाइनल आउटकम। ये बहुत ही टेस्टी होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खट्टी मीठी अचार की तरह। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे बनाई हमने ये सब्जी, तो आप भी ज़रूर अपने घर पे एक बार ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। सो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग